फ्रंट एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो आपको सीखना चाहिए, सबसे पहले जो आपसे आना चाहिए वो होता है HTML और HTML के सारे टैग्स, सारे एलिमेंट्स, ओके, और HTML के एलिमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए CSS, जो कि हमने अभी इसके पिछले क्लासेस में कवर कर लिया है कि HTML के टैग्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, कैसे आप फॉर्म बनाते हैं, कैसे आप टेबल बनाते हैं, कैसे आप फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं, कैसे आप टेबल को डिज़ाइन करते हैं, या फिर जितने भी हमने HTML के टैग्स पढ़े हैं उनको कैसे डिज़ाइन करते हैं बाय सेलेक्टर CSS में, ओके। सो CSS कवर होने के बाद, HTML कवर होने के बाद हमारा का पूरा का पूरा फंडा, हमारा का पूरा फोकस आता है JavaScript पे, और ये है JavaScript का वीडियो नंबर फर्स्ट। इसमें हम देखेंगे JavaScript के ऐसी कौन सी लाइब्रेरी का हम यूज़ करने वाले हैं जिसके थ्रू अपने हम HTML एलिवेंट में कोई भी इवेंट परफॉर्म कराएंगे, राइट। अभी तक हम कोई इवेंट परफॉर्म नहीं कराते थे, अभी तक हम सिर्फ एलिमेंट को डिज़ाइन करते थे। सो एलिमेंट के डिज़ाइन होने के बाद एलिमेंट पे लगाया जाता है इफेक्ट, एलिमेंट पे लगाया जाता है इवेंट, और वो पॉसिबल हो पाता है जावास्क्रिप्ट के हेल्प से, ओके। सो हम इस वीडियो लेक्चर में जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है jQuery, उसको कवर करेंगे। ये पूरा का पूरा लिखा गया है इस लाइब्रेरी को जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। इसका एक टैगलाइन है कि राइट लेस डू मोर, मींस इस लाइब्रेरी में आपको लिखना कम पड़ता है और आउटपुट आता है ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट में हमको हर एक चीज़ के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि इस बटन के क्लिक होने पे एक पॉपअप विंडो दिखे, सो इस काम को करने के लिए भी आपको जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ओके। और भी जितने भी वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के पर्पज से जो जो भी डिज़ाइनिंग होती है, डेकोरेशन होती है, कभी आप देखते हैं स्लाइडिंग चल रही होती है, कभी स्लाइडर चल रहे होते हैं, कभी पॉपअप मेन्यू आ रहा होता है, ऐसी बहुत सारी डिज़ाइनिंग होती हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट साइड में, ओके, पेजेस में। सो वो सारे काम जावास्क्रिप्ट के फंक्शन से हेल्प किया जाता है। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि आपको हर एक छोटे छोटे काम के लिए फंक्शन क्यों बनाया जाए, या फिर आप इतने छोटे छोटे काम के लिए फंक्शन क्यों बनाएं। तो उन्होंने क्या किया, सारे जितने भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट में चीज़ें डेकोरेशन के लिए यूज़ आती हैं, जैसे पॉपअप करना, स्लाइड करना, उन सभी का फंक्शन साइंटिस्टों ने बना के एक फाइल में स्टोर कर दिया है जिस फाइल का नाम है jQuery। अब हमको सिंपली क्या करना है, जो भी उन्होंने फंक्शन बनाया है उसको सिंपली करना है कॉल, ओके। और कॉल कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टर। तो जावास्क्रिप्ट का ही एक दूसरा पार्ट उन्होंने क्रिएट कर दिया कि आप ज़्यादा लिखे ना, आपको फंक्शन बनाने में आपका ज़्यादा टाइम ना जाए, आपको सिर्फ फंक्शन को कॉल करना पड़े और आउटपुट आपके सामने आ जाए, ओके। सो इस वे को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि कौन बार बार हर एक छोटे से छोटे काम के लिए फंक्शन बनाया जाए, उन्होंने पहले से ही एक ढेर सारे फंक्शनों का कलेक्शन बनाया और उस फंक्शन के कलेक्शन को एक फाइल में रखा जिसका नाम है jQuery, ओके। तो jQuery एक लाइब्रेरी होती है जावास्क्रिप्ट की, जहाँ पे सारे वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड एनिमेशन, इवेंट्स, इन सभी के क्लास फंक्शंस बने हैं। हमको सिर्फ इनको करना पड़ता है कॉल और हमारा काम हो जाता है, ओके। हमारा जावास्क्रिप्ट यूज़ करने का पर्पस यही है कि हम अपने HTML एलिमेंट में इवेंट लगा पाएँ, ओके। सो इवेंट लगा सकते हैं जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के थ्रू, आप खुद फंक्शन बनाइए, खुद कॉल करिए, या तो आप जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी यूज़ करिए जिसका नाम है jQuery और सिंपली फंक्शन को करिए कॉल। सो इसीलिए लिखा गया है jQuery के टैगलाइन में कि राइट लेस डू मोर, मतलब कम लिखो और आउटपुट ज़्यादा आता है। समझते हैं थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन क्या होता है, कैसे आप चीज़ें परफॉर्म करेंगे। तो इंट्रोडक्शन लेते हैं jQuery का। तो jQuery इज़ अ लाइट वेट राइट लेस डू मोर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, बहुत ही लाइट वेट लाइब्रेरी होती है, ज़्यादा हैवी साइज़ नहीं होती इसकी, बहुत ही कम साइज़ होती है, मतलब इसके आप अपने HTML में कनेक्ट करके इसको रन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी आपका लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट बढ़ाएगा, ये बहुत ही लाइट वेट होता है, समथिंग KB में फाइल्स होती हैं। राइट लेस डू मोर मतलब आप कम लिखते हैं और ज़्यादा आउटपुट आता है, और ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी होती है। द पर्पज ऑफ jQuery इज टू मेक इज मच ईजियर टू यूज़ जावास्क्रिप्ट ऑन वेबसाइट, बहुत ही जल्दी आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट का काम कर सके। सिर्फ एक ही मोटिव था jQuery को बनाने का, ओके। इसमें आप बहुत सारे फंक्शंस का बहुत ही ईजिली और बहुत ही क्रिएटिव तरीके से यूज़ कर पाते हैं बिना हमको बहुत ही लाइंस ऑफ कोड लिखे बिना, ओके। थर्ड समझते हैं jQuery टेक्स अ लॉट ऑफ कॉमास, स्टार्स, रिक्वायर्ड लाइंस ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड, बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे कोड्स जावास्क्रिप्ट की कलेक्शन होता है jQuery, ओके। jQuery ऑल्सो सिंप्लीफाई अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती हैं, कॉम्प्लिकेशन आती हैं, जैसे फॉर्म, हर एक छोटे छोटे काम के लिए आपको
फॉर्म बनाना पड़ता है, हर एक छोटे छोटे काम के लिए आपको बड़े बड़े कोड या बड़े बड़े फंक्शंस लिखने पड़ते हैं। सो ये सब प्रॉब्लम आपकी jQuery सॉल्व कर रहा है। ओके, यहाँ पे सिंपल आपको बना बनाया कोड स्ट्रक्चर दिया गया है, बस आपको अपने HTML एलिमेंट में करना है यूज़। ओके, बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन होती है jQuery में, अगर आप इसको HTML के साथ अटैच करके काम करें तो। देखिए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट का पर्पस यही है, सबसे पहले आप टैग सीखिए, टैग्स को डिज़ाइन करना सीखिए, मीन्स CSS सीखिए, और फिर उन टैग्स और एलिमेंट में एनिमेशन लगाना, इवेंट लगाना सीखिए, जो आपको प्रोवाइड कराता है JavaScript की एक लाइब्रेरी जिसको हम बोलते हैं jQuery। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप jQuery पढ़ रहे हैं और आपसे कोई सामने वाला पूछता है कि आपसे JavaScript आता है क्या, तो आप सिंपली कहिए यस, क्योंकि जावा jQuery ही JavaScript है और JavaScript ही jQuery है। बस क्या होता है, JavaScript आप ये समझिए एक बड़ा सा समुद्र है और एक नदी है jQuery। ओके, सो वाटर तो दोनों में होता है, सिंटैक्स तो दोनों में पढ़ेंगे, मेथड्स तो दोनों में यूज़ आते हैं, बट वहाँ पे हम लाइंस ऑफ लेंथी लाइंस ऑफ कोड नहीं लिखते थे, और यहाँ पे हमको कोड लिखा लिखाया मिल जाता है, हमको बस करना पड़ता है कॉल। तो किसी भी चीज़ को कॉल करने के लिए उसे प्रॉपर समझना, उसके सिंटैक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप किसी भी फंक्शन को बिना उसके डेफिनेशन को पढ़े कॉल नहीं कर सकते। सो सिंपली, अगर आपसे jQuery आती है तो आपसे JavaScript आती है। HTML DOM manipulation होता है। ये DOM क्या होता है? DOM होता है document object model। एक्चुअली क्या होता है, जब हम HTML में काम करते हैं तो वहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस जगह पे आप काम करते हैं, उस जगह को हम बुलाते हैं पेजेस। ओके, हम एक पेज बनाते हैं, फिर दूसरा पेज बनाते हैं, हम सारी चीज़ों को बोलते हैं पेज। वही चीज़ अगर आप CSS में काम कर रहे हो तो CSS में भी आप पेज के ऊपर ही काम करते हो, बट उसे हम पेज नहीं बोलते, उसे हम बोलते हैं सीट। ओके, कि हम स्टाइल सीट में काम कर रहे हैं, हम इस चीज़ में काम कर रहे हैं, हम इस सीट में काम कर रहे हैं। सिमिलरली, जैसे आप HTML के केस में पेजेस बोलते हैं, CSS के केसेस में सीट बोलते हैं। सिमिलरली jQuery के केसेस में भी आप पेजेस को पेजेस नहीं बोलेंगे, आप यहाँ पे बोलेंगे डॉक्यूमेंट। ओके, सो डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एक मेजरली मॉडल बनाया जाता है और उसको मैनिपुलेट किया जाता है, इसलिए लिखा है कि jQuery HTML के डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को मैनिपुलेट करता है, क्योंकि jQuery के हिसाब से HTML के टैग्स हैं जिनको आप पेजेस बोलते हैं, उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट बोला जाता है। ओके, CSS मैनिपुलेशन भी प्रोवाइड करता है, मतलब CSS को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं jQuery की हेल्प से। HTML को तो किया ही जा सकता है, लेकिन CSS को भी किया जा सकता है। HTML में कोई भी इवेंट मेथड को कॉल किया जा सकता है, इफेक्ट्स लगाए जाते हैं, लगाए जा सकते हैं, एनिमेशंस लगाए जा सकते हैं। तो सिंपल सा ये था jQuery का इंट्रोडक्शन, कि ये होती है एक JavaScript की लाइब्रेरी। इसका पर्पस और इसका मोटो सिर्फ ये है कि डेवलपर को बहुत ही जल्दी, बहुत ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जिससे बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से अपने HTML एलिमेंट में या CSS के किसी भी लाइन्स ऑफ कोड में या डिज़ाइंस में तुरंत चीज़ें अप्लाई कर सके, इवेंट्स अप्लाई लगा सके, एनिमेशन लगा सके, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये लास्ट का होता है एजेक्स। एजेक्स क्या होता है? एजेक्स आपके ब्राउज़र के बैकएंड में चलता है। ओके, तो jQuery की हेल्प से आप एजेक्स भी बना सकते हैं। एजेक्स बेसिकली होती है एक फाइल जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन को करती है कलेक्ट, जैसे उसका IP एड्रेस, जैसे उसका मैक एड्रेस, जैसे उसका पासवर्ड, जैसे उसका यूज़र नेम, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप ब्राउजिंग करते समय, इंटरनेट चलाते समय, जहाँ पे यूज़र की इन्फॉर्मेशन को सेव रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग के पर्पस से भी और सॉफ्टवेयर डेवलपर के पर्पस से भी। तो वो एक फाइल बनाता है ब्राउज़र पे ही, ओके, इंटरनेट की हेल्प से, उसे हम बोलते हैं एजेक्स। ओके, सो एजेक्स की फाइल बनाने के लिए भी आप jQuery की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी यूटिलिटीज़ हैं जिन यूटिलिटीज़ का यूज़ करके आप चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल में क्लियर होगा क्या क्या यूटिलिटीज़ हैं, jQuery का यूज़ क्यों करते हैं। तो बात सिंपल है कि मार्केट में जब तक कोई चीज़ आती नहीं है, जब तक उसकी ब्रांड इक्विलिटी, ब्रांड वैल्यू बनती नहीं है लोगों के नज़रों में, तब तक हम उस पर बिलीव नहीं करते। सो सिंपली JavaScript के काफ़ी टाइम बाद jQuery आई, बट इसकी ब्रांड वैल्यू और मार्केट वैल्यू बहुत ही लोगों के नज़रों में नहीं आई थी। तो पहले आप इसकी ब्रांड वैल्यू और मार्केटिंग वैल्यू देखिए कि ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर ब्रांड वैल्यू अगर लोगों की नज़रों में ज़्यादा है, मतलब प्रोडक्ट में दम है, और प्रोडक्ट में दम है तो हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं क्या है jQuery को क्यों यूज़ किया जाए। तो देयर आर अ लॉट ऑफ अदर JavaScript फ्रेमवर्क आउट देयर, बट jQuery सीम्स टू बी अ मोस्ट पॉपुलर एंड ऑल्सो अ मोस्ट एक्सटेंडेबल। सबसे अच्छी चीज़ है jQuery की कि ये राइट लेस डू मोर के कॉन्सेप्ट पे चलता है, मतलब इसकी लाइब्रेरी को आप इन फ्यूचर एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ओके,
दुनिया की एक पहली लाइब्रेरी है जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, अदरवाइज किसी भी कंपनी आपको ये अथॉरिटी नहीं देती किसी भी फाइल को एक्सटेंड करने का. ओके, मैनी ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑन अ वेब यूज jQuery सच एस, बहुत सारी कंपनियां जो हैं jQuery यूज करते हैं, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, Netflix, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं. तो ये रही इसकी मार्केट वैल्यू. ओके, जब तक हमारी नज़रों में कोई ब्रांड इक्विटी या ब्रांड वैल्यू क्रिएट नहीं होती हमारे माइंड में, तब तक हम उस प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं करते. सो ब्रांड इक्विटी गूगल जैसी कंपनी से अगर क्रिएट हो जाए तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट में कुछ दम होगा. इसकी हेल्प से हम बहुत ही अच्छा काम कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज गूगल वाले कर पाते हैं हम भी कर पाएंगे. और गूगल कोई लोकल बिजनेस तो है नहीं, इंटरनेशनल साइड है. ओके, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंस यूजेस हैं इसके. नेक्स्ट देखते हैं कि आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ने के लिए क्या क्या आना चाहिए. ओके, सो HTML आना चाहिए क्योंकि HTML के टैग्स के ऊपर ही हम इवेंट परफॉर्म कराते हैं. CSS आना चाहिए क्योंकि HTML के टैग्स को आपको, एलिमेंट्स को आपको डिज़ाइन भी करना है, और इन फ्यूचर आप jQuery की हेल्प से CSS में डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं. सो बेसिकली HTML और CSS तो आपको आना चाहिए अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो. ओके, और थर्ड हम जो अभी पढ़ने ही वाले हैं jQuery, या jQuery को दूसरे वर्ड में बोले तो जावास्क्रिप्ट, क्योंकि jQuery के अंदर लिखा ही है जावास्क्रिप्ट. ओके, सो हम पढ़ेंगे ही जावास्क्रिप्ट. नेक्स्ट, अगर आपको अपने jQuery अपने HTML के पेज में अप्लाई करना है, HTML के पेज में लगाना है, तो आपको पहले इसे अटैच करना पड़ेगा. ओके, और अटैच करने के लिए jQuery की फाइल को डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये है एक लाइब्रेरी. तो इसके अंदर बने क्लासेस, इसके अंदर बने फंक्शंस कहीं ना कहीं किसी लाइब्रेरी फाइल में स्टोर होंगे, तो उसको आपको अटैच करना पड़ेगा. ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे एक तरीके हैं इसको अटैच करने का. सबसे पहला तरीका है कि आप डाउनलोड कर लीजिए jQuery लाइब्रेरी को ऑफलाइन. कहाँ से डाउनलोड करेंगे? jQuery.com से. अगर आप नहीं डाउनलोड करके लगाना चाहते तो आप इसका सिंपली CDN लगा दीजिए. ओके, कैसे अप्लाई करते हैं, तो कैसे डाउनलोड करेंगे, तो इसके लेटेस्ट फीचर को अभी हम डाउनलोड करते हैं. हम चलते हैं अपने फेवरेट ब्राउज़र क्रोम पे, और यहाँ पे jQuery की ऑफलाइन फाइल को करेंगे डाउनलोड. सो सिंपली हम यहाँ पे करते हैं डाउनलोड jQuery. ओके, हम जैसे डाउनलोड jQuery करेंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट अपेयर होगी आपको jQuery.com पे. देखिए यहाँ पे आ रही है अपने साइट की इन्फॉर्मेशन. इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ज़्यादा प्रेफर करा करिए आप किसी भी ब्राउजिंग करते समय. तो यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड jQuery, राइट. तो यहाँ पे नीचे लिखा है jQuery.com/download. ओके, आप यहाँ पे देख लीजिए jQuery.com/download. इस वेबसाइट पे हमको जाना है ओपन इन न्यू टैब करके, और यहाँ पे हमको jQuery की ये ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है, और यहाँ से हमको इसकी लाइब्रेरीज फाइल को करना है डाउनलोड, और HTML के पेज में करना है अटैच. ओके, बड़ा सिंपल प्रोसेस है. तो हमको jQuery के अंदर बने बनाए सारे जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस कोड हमको मिल जाएंगे, और सिंपली ये हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो गई है. हमको इसका प्रोडक्शन वर्जन डाउनलोड करना है, डेवलपमेंट वर्जन नहीं. प्रोडक्शन वर्जन और डेवलपमेंट वर्जन में डिफरेंस ये होता है कि ये स्टेबल वर्जन होता है, इसे बना के कंपनी वालों ने लॉन्च कर दिया है. और डेवलपमेंट वर्जन में क्या होता है कि कंपनी इसको अभी बना रही है साथ साथ में, और कुछ चेंजेस भी करते जा रही है. ओके, सो ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है कि आप स्टेबल वर्जन यूज़ करिए. तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और सिंपली जावास्क्रिप्ट की फाइल हमारे सामने ओपन हो जाएगी. ये पूरा जावास्क्रिप्ट का फाइल है, इसको आपको यहीं से कंट्रोल एस कर देना है, और आपका सॉफ्टवेयर जहाँ भी हो वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं. तो मेरे सॉफ्टवेयर कहाँ है, कल अपन ने एक फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप के अंदर एडवांस CSS करके, उसके अंदर देखिए यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ jQuery, और फाइल चेंज नहीं करना है, एक्सटेंशन आपको नहीं देना है. क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट की फाइल ऑलरेडी सेलेक्टेड है सेव एज टाइप में. अगर नहीं होता तो यहाँ पे .js लगाना पड़ता. अगर आप कंफर्टेबल हैं .js लगाने में तो लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो jQuery.js नाम से मैंने इस फाइल को सेव कर दिया, मतलब जावास्क्रिप्ट की फाइल हमारे पास सेव हो गई है. अब आपको क्या करना है, अब जावास्क्रिप्ट को भी डायरेक्टली आप ब्राउज़र पे शो नहीं करा सकते. इसको शो कराने के लिए आपको HTML की हेल्प लेनी पड़ेगी. सिमिलरली जैसे CSS को शो नहीं करा सकते, उसको आपको HTML की हेल्प लेनी पड़ती थी, अटैच करके आप शो कराते थे. सिमिलरली अपन day2 नाम के पेज में चलते हैं जो हमने कल बनाया था day2.html. इसी के अंदर मैं वो फाइल जो डाउनलोड करके लाया हूँ, ये javascript.js, इसको हमने अटैच कर देंगे. और अटैच करने के लिए आपको पता है हेड सेक्शन के अंदर करते हैं हम अटैच. ओके, सो हम यहाँ पे अटैच करते हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल को अटैच कर रहे हैं. तो जावास्क्रिप्ट की फाइल को अटैच करने का सिंटैक्स होता है स्क्रिप्ट ओपन और स्क्रिप्ट क्लोज. स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं हम जावास्क्रिप्ट की किसी भी फाइल में काम करने के लिए.
ओके। और स्क्रिप्ट के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं src और इसके अंदर देते हैं पाथ, तो हमारी फाइल का नाम है jQuery.js। सिंपली अटैच हो गया, मतलब जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फंक्शंस जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में काफ़ी हद तक यूज आते हैं, उन सभी फंक्शन और उन सभी क्लासेस, उन सभी सिंटैक्स, उन सभी मेथड्स का सपोर्ट हमें day2.html के पेज में मिल चुका है, जस्ट बिकॉज हम इसको कनेक्ट कर चुके हैं। अगर आपको ऑफलाइन कनेक्ट नहीं करना है, आपको ऑनलाइन कनेक्ट करना है, तो आप सिंपली गूगल में फिर सर्च करिए jQuery CDN लिंक। आपको डाउनलोड नहीं करना है इस बार, आपको सिर्फ jQuery का CDN चाहिए। CDN मीन्स कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ओके, सो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे jQuery CDN पहले ही नंबर पे आ गया और ये ऑफिशियल वेबसाइट से आ रहा है। सो हम इसको ओपन करते हैं और jQuery.com पे पहुँच जाएंगे और इसका एक एक कोड मिलेगा जो डायरेक्ट हमको jQuery के सर्वर से कनेक्ट करेगा और jQuery के सर्वर से हमें सारा का सारा ये जो फाइल का सपोर्ट है ये हमारे वेब पेजेस पे, हमारे HTML के पेजेस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। ओके, सो हम बने बनाए फंक्शनों का यूज कर सकते हैं, जैसे आप डाउनलोड करके फाइल लगाते थे सिमिलरली उसी के जैसे। ओके, ओपन हो रहा है साइट, तब तक हम एक दो और वेबसाइट ट्राई कर लेते हैं। W3School से भी आप उठा सकते हैं CDN लिंक। आपको CDN लिंक कहीं से मिले, आपको बस लिंक चाहिए और आप उसको कहीं से कर सकते हैं। सो ये है JavaScript का CDN लिंक, देखते हैं कहाँ पे। ये है CDN, SRC, सोर्स, HTTP, AJAX, ये सर्वर का पूरा लिंक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और सिंपली आपको हेड सेक्शन के अंदर ये वाला कोड हटा के या तो आप ऑफलाइन यूज़ करिए या तो आप ऑनलाइन यूज़ करिए, एक ही टाइम पे दोनों यूज़ नहीं करिएगा, अदरवाइज आपकी साइट होगी रिलोड। तो हम यहाँ पे ऑफलाइन सेटअप यूज़ कर लिए, सॉरी ऑनलाइन सेटअप यूज़ कर लिए। हमारे पास तरीके दोनों हैं, हम ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं और आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स हमें जावास्क्रिप्ट की सारी लाइब्रेरी का सपोर्ट मिल चुका है। अब आपको jQuery मतलब जावास्क्रिप्ट में काम करने के लिए पढ़ने पड़ेंगे बहुत सारे सेलेक्टर्स, जैसे अभी हमने काफ़ी सेलेक्टर पढ़े हैं CSS में, जैसे एट्रीब्यूट सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और ऐसे बहुत सारे सेलेक्टर्स हमने पढ़ा है। ओके, सो जावास्क्रिप्ट में आपको काम करने के लिए, jQuery में काम करने के लिए आपको CSS अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमें काफ़ी कॉन्सेप्ट HTML और CSS से हम इनहेरिट कर लेते हैं और देन इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं काम। तो ये रहा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अबाउट jQuery मीन्स जावास्क्रिप्ट। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम जावास्क्रिप्ट पे ही पर काम करेंगे डे बाय डे। ओके, आप कंटिन्यू टच में रहिएगा, प्रैक्टिस जारी रखिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।